अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज चौथा दिन है या शायद पांचवा दिन है, मुसलसल बारिश हो रही है और अभी मैंने खाना बनाना है। डिसाइड हुआ है कि जी बनेगा चिकन, नहीं सॉरी, कीमा आलू और फातिमा ज़ारा का भी मैंने अभी तैयार कर दिया है। फोनी लगा दी है मेरी बेटी को, मैं पास बैठना चाह रही। फातिमा कभी कभी ऐसे करती है कि मेरी गोद में चढ़ के बैठ जाती है, वरना ये टीवी के साथ और बाकी लोगों के साथ खुश रहती है। फातिमा हाय तो कर दो, अस्सलाम वालेकुम तो कह दो, अस्सलाम वालेकुम तो कह दो। खैर अभी फातिमा का मूड नहीं है, नहीं कहेगी इंशाल्लाह, जब बोलेगी तो ज़रूर सलाम किया करेगी आप सब लोगों को। तो अभी फिर किचन में चलते हैं और जाकर खाना बनाते हैं। आप कीमा फ्राई करें और उस पर इस तरह से गोल्डन गोल्डन निशान ना आए, तो फिर वो कीमे की तोहीन होती है। कीमा बुरा बनाया जाता है और वो इस तरह बुरा बनाता है कि बहुत बदजायका बनता है। देख लें ये गोल्डन गोल्डन से निशान है। भूनते हुए कीमे को फ्राई करते हुए ये निशान डालें 30% कीमे पे, 70% कीमे पे नहीं होने चाहिए। तो फिर आप देखें आपका कीमा कितना मज़े का बनता है, कीमा भी खुश आप भी खुश। तो बस ये मेरा कीमा अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं कुछ कुछ कीमे के ऊपर ये निशान हैं। एक हाथ से वीडियो भी बनाओ फिर साथ में खाना भी बनाओ तो फिर पतीली तो हिलेगी। बहरहाल ये कीमा हो चुका है, अब इसमें डालेगा टोमेटो का पेस्ट। टमाटर फेंद रहा कच्चे कच्चे से, येलो येलो से, वैसे भी अगर पके भी हों तब भी इसमें पेस्ट ही डालेगा। टोमेटो पेस्ट के बाद बारी है साथ ही लाल मिर्च पाउडर की। छोटी चमची है तो इसलिए मेरे ख्याल में साल लेना ज़रा ज़्यादा है, कम से कम 3 चमचियाँ तो डलेंगी। और साथ में हल्दी, ये भरा हुआ 1 चम्मच काफ़ी है क्योंकि मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट काफ़ी ऐड किया। भरा हुआ नहीं जा रहा, डब्बी भी गिरने लगी है। चलो तो कीमा भुन चुका है और टमाटो पेस्ट भी आपके सामने खुश्क हो गया है, ये देख लें अच्छे से। अब इसमें बारी है आलू की और साथ में पानी, पानी थोड़ा और डालेगा ताकि ये कीमा तो गल चुका है क्योंकि भून के इतना अच्छा सा वो गल जाता है। अब इसमें पानी इसलिए डालेगा ताकि आलू अच्छे से गल जाए और बस फिर कीमा आलू का सालन तैयार है। इतनी देर के लिए छोड़ जाऊंगी जितनी देर में ये पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता और आलू गल नहीं जाते। पतीली छोटी है मेरे ख्याल में, सालन ज़्यादा है आज। अच्छा इस कीमे आलू में ना खड़ा मसाला डलता है, गरम मसाला, तो बहुत मज़े का बनता है, बहुत प्यारा सा इसमें फ्लेवर आता है गरम मसाले का, इतना खूबसूरत सा अरोमा होता है। चलो जी हो गया मिक्स, अब इस पर लगेगा ढक्कन। आप देख सकते हैं बाहर बारिश का मौसम है, ये लाइनें आपको जो नज़र आ रही हैं ये पसीने की हैं, ये सारा पसीना है। ये देखिए एग्जॉस्ट भी चल रहा है फिर भी पसीने। किचन जो है ना, किचन बहुत जालिम जगह है बहुत गर्मी, ये सारा पसीना है। हालांकि बाहर बारिश का मौसम है लेकिन हब्स इतनी ज़्यादा हो चुकी है इतने दिन की बारिश के बाद कि किचन में घुसो तो फिर किचन अपना काम करता है, चाहे आप जो भी कर लें, एग्जॉस्ट लगा लें, फैन लगा लें, कुछ भी कर लें। मैं ज़रा फेस धो लूँ, कहते तो हैं कि पसीने के साथ फेस नहीं धोना चाहिए, फॉलेज का ख़तरा होता है, लेकिन गर्मी इतनी लगी हुई क्या करूँ मैं। किचन बुरा हाल कर देता है, इतने पसीने और इतनी गर्मी के बाद अब प्यास तो जाहिर लगती है, मुंह भी मैंने धो लिया है। तो अब पानी मैंने मंगाया है नॉर्मल, क्योंकि अगर मैं ठंडा पानी पीऊँगी तो 100% फॉलेज होने का खतरा होता है या लकवा होने का खतरा। इसलिए एहतियात से पानी पिए, अगर आपने पीना है, नहीं रहा जाता आपसे मेरी तरह तो फिर नॉर्मल पानी पिए बिल्कुल।
टीवी पर जो कमर्शियल आते हैं ना फातिमा ज़हरा, उनको बहुत शौक से देखती है, सबसे ज़्यादा उसको देखती है वो एरियल ब्लू ब्लू। अब देखें तो बैठ के कमर्शियल देख रही है, अब मैंने एरियल ब्लू ब्लू कहा है तो ये मेरा फेस देख रही है कि मम्मी क्यों कह रही है एरियल ब्लू 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 ब्लू। फातिमा आपको अच्छा लगता है ब्लू ब्लू? एरियल ब्लू ब्लू बोलो ब्लू ब्लू छोटी सी बेटी है। देखो कमर्शियल देखे जा रही है, कमर्शियल देखे जा रही है फातिमा ज़हरा। तो 9 बजे का टाइम होने वाला है रात का, और आमिर की छुट्टी भी इंशाल्लाह होने वाली है, तो इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट में वो घर आ जाएंगे। और खाना भी यहाँ पर लगा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू का सालन कैसा बना है, और फिर उसके बाद मैं व्लॉग को बस एंड करती हूँ, ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं बनाती। चौधरी परवेज़ इलाही भी वज़ीर आला पंजाब बन गया है, और साथ में ये सालन माशाल्लाह सब खा रहे हैं, किसी ने भी वेट नहीं किया कि मेरी वीडियो बनाने का, सबको भूख लगी हुई थी, या फिर सालन बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फातिमा ज़हरा भी माशाल्लाह दस्तरखान के साथ अब बैठी होती दस्तरखान पे अपनी जगह घेर के। तो आज का मुख्तसर व्लॉग यहीं तक था, आपको ये व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ, मुझे भी भूख लगी है लेकिन मैं थोड़ी देर तक खाना खाऊंगी। अपना और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें, मुझे और फातिमा ज़हरा को अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।